रहीम इया का नाबुद हुआ इया का नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं वसीम और मैं आप सबको अपने चैनल पे और अपने वीडियो में वेलकम करता हूं। एज यू गाइज नो, रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे ब्यूटी क्रीम लॉन्च कर दिया है। काफी ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग वो वीडियो थी। अगर आप देखना चाहते हो आप आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जी ब्यूटी क्रीम जो मैंने लॉन्च किया उसमें आपको काफी अच्छे इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं, आपको कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, आपकी स्किन को काफी ज्यादा यूथफुल और हेल्थी बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो अगर आप खरीदना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, और इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके, इंस्टाग्राम पे एक पेज है ग्लो डस्ट के नाम से, वहां पे मैसेज करके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अगेन अपना सेकंड प्रोडक्ट रिवील करने जा रहा हूँ। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। मैं चाह रहा था कि मैं अपना कुछ ब्रांड लॉन्च करूं, तो फाइनली मेरा अपना ब्रांड है जिसमें अभी तक मेरे कुछ चार प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेकंड रिवील करने जा रहा हूं। आज नेक्स्ट वीडियोस में आपको दूसरे प्रोडक्ट भी देखने को मिल जाएगा, और अब इंशाल्लाह आप लोगों को बैक टू बैक वीडियोस देखने को मिलेंगी। बैक टू बैक वीडियोस भी इंशाल्लाह आप लोगों को देखने को मिलेगी, बिकॉज मेरी जॉब की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी जॉब क्विट करके अपनी यूट्यूब को ही आगे बढ़ाऊँ और इसलिए फोकस करूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ग्लो डस्ट वाइटनिंग फेस वॉश। मैं वाइटनिंग को प्रमोट नहीं करता, लेकिन हम जहाँ पे रहते हैं वाइटनिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को चाहिए, चाहे वो फेस से बोल रहा हो कि वाइटनिंग बहुत बुरी बात है जो है वो ठीक है, लेकिन वो भी अंदर अंदर से ढूंढ रहा होता है कोई ऐसा फेस वॉश, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कलर को निखार दे, कलर को बहुत ज़्यादा यूथफुल और हेल्थी बना दे। उसी चक्कर में वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, या पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा लोकल ब्रांड्स काम कर रहे हैं जिनके प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो वो ऐसे कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ग्लो डस्ट वाइटिंग फेस वॉश शेयर करने जा रहा हूँ। स्क्रीन पे चलता आपको नजर आ रहा होगा ग्लो डस्ट वाइटिंग फेस वॉश, इसके ऊपर मेंशन है फॉर ऑल स्किन टाइप। यस, दिस प्रोडक्ट इज फॉर ऑल स्किन टाइप। जिन लोगों की स्किन ऑयली है उनके लिए तो ये ड्रीम किस्म का फेस वॉश होने वाला है। बाय, मैं ऑयली स्किन को ज्यादा टारगेट कर रहा हूँ, लिमिट आई हूँ। पाकिस्तान में हम रहते हैं और हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं जिनकी वजह से जिनकी लोगों की स्किन ड्राई भी होती है तो उनकी स्किन ऑयली हो जाती है, और जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं हमारी स्किन जबरदस्ती फेस पे काफी ज्यादा पिच और ऑयल सा फील होता है, इसलिए जरूरी है कि ऑयल को कंट्रोल करने के लिए फेस वॉश तैयार किया जाए। और इन प्रोडक्ट्स पे तकरीबन आई इन्वेस्टेड माय 8 to 9 माह तकरीबन मैंने इस पर काम किया है और खुद पे टेस्टिंग किया है, डिफरेंट लोगों पे यूज़ किया। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में हैंड एंड फुट क्रीम आप लोगों को सर्विंग करूँगा, आप उसमें देखना मैंने टेस्टिंग के चक्कर में मेरे हाथों का क्या हाल हुआ था, लेकिन वो सब क्लिप्स वगैरह मैंने संभाल के रखे हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर मेंशन है आलमंड एंड मिल्क एक्सट्रैक्ट्स। यस, मैं इसमें चाह रहा था कि मिल्क हमारे फेस पे क्लिंजिंग का काम करता है, हमारे फेस से डस्ट ऑयल पोल्यूशन को खत्म करता है, हमारे कलर को निखारने के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। आलमंड बहुत अच्छी चीज है हमारी स्किन के लिए। इसके फायदे आपको स्क्रीन पे चलते नजर आ रहे होंगे, काफी ज्यादा इसके फायदे। अच्छा, अगर इसकी बैक साइड पे देखें तो इसके ऊपर मेंशन है ग्लो डस्ट वाइटनिंग फेस वॉश फॉर ऑल स्किन टाइप। इंग्रेडिएंट है इसमें सिट्रिक एसिड है, मतलब काफी ज्यादा मैंने अच्छे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे भी आपको नजर आ जाएंगे चलते लिखे हुए, ठीक है। फिर इसके ऊपर मैंने हर प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपायरी मेंशन की है, एक्सपायरी डेट मस्ट होनी चाहिए, आप लोगों को पता हो कि ये प्रोडक्ट कब एक्सपायर हो रहा है, कब तक हम यूज कर सकते हैं, और इंग्रेडिएंट्स हमेशा पढ़ के लिया कीजिए, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदो उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे होना मस्ट है। जिस प्रोडक्ट के ऊपर इंग्रेडिएंट्स ना लिखा हो काइंडली उन प्रोडक्ट्स को थोड़ा अवॉइड कर दिया करो, इंग्रेडिएंट्स मस्ट है, ताकि आप सर्च कर सको, देख सको कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा इंग्रेडिएंट कौन सी स्किन टाइप के साथ चलेगा, आपकी स्किन के साथ चल सकता है कि नहीं, तो इसलिए इंग्रेडिएंट्स आर मस्ट, ठीक है। यहाँ पे स्टोर बिलो 30 सेंटीग्रेड या 30 सेंटीग्रेड से नीचे आपने इसको स्टोर करना है, जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो वहाँ पे आपने इसको नहीं रखना, वरना ये पानी छोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। इस तरह का कुछ लगता है व्हाइट किस्म का ये फेस वॉश है। स्क्रीन पे आपको चलता नजर आ रहा होगा ये फेस वॉश मैंने पूरी तरह से खत्म किया है, मतलब आज से मैं यही प्रोडक्ट, तो मैं अपने ही प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ अपनी स्किन पे। अल्हम्दुलिल्लाह यू गाइस कैन सी माय स्किन, मेरी स्किन पे अभी तक मुझे कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन लुक्स सो परफेक्ट, सो ग्लोई एंड शाइनी। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी स्किन काफी ज्यादा ग्लोई और शाइनी लगती है। तो ये फेस वॉश आप स्क्रीन पे चलता देख रहे हो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, और मैंने अपने साथ साथ और भी लोगों पे यूज़ करवाया था, काफ़ी लोगों को मैंने टेस्ट करवाया है, काफ़ी लोगों ने यूज़ किया है जिनकी एक्नी प्रोन स्किन थी, सेंसिटिव थी, नॉर्मल थी, ड्राई थी, कॉम्बिनेशन थी, सुपर ऑयली किस्म की थी, सबको
यूज करवाया है। मैं एक ऐसा एक ऐसा प्रोडक्ट चाह रहा था जो कि लड़की लड़का बड़ा छोटा हर स्किन वाला इजीली यूज कर सके। मैंने ये एक्ने प्रोन स्किन वालों को भी यूज करवाया, लकीली उनका ये कहना था कि हमारे फेस पे जो ऑयल आता है ऑयल काफी देर तक कंट्रोल रहता है, चाहे जितनी भी गर्मी हो तकरीबन एक दो घंटे हमारी बहुत सुकून के गुजर जाते हैं। उसके बाद जिन लोगों की ड्राई स्किन थी उन्होंने बोला था कि हमारी स्किन इसने ड्राई नहीं की लेकिन हमारी स्किन को काफी अच्छे से इसने फ्रेश फील किया, क्योंकि ये मुंह धोने के बाद आपको बहुत अच्छा सा फेस को मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन आपको मॉइस्चराइज फील होती है, आपको आपकी स्किन ड्राई नहीं फील होगी इसके ट्राई के बाद। ऑयली स्किन वालों के लिए ड्रीम है, आपके ड्रीम फेस वॉश है, आपके फेस से सारा ऑयल जजब कर लेते हैं और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा जबरदस्त मैटिफाइंग बनाता है, ठीक है। तो मतलब हाँ, मॉइस्चराइज ऑयली स्किन वालों को भी स्किन उनकी मॉइस्चराइज फील होगी, खिंची खिंची या ड्राई फील नहीं होगी, तो इसलिए दिस फेस वॉश इज 100% रिकमेंडेड। बहुत से ब्लॉगर्स को प्रोडक्ट भेज दिए गए हैं, डिफरेंट यूट्यूबर्स का आप रिव्यू देख के बेशक खरीदिएगा, मेरे कहने पे ना खरीदिएगा। कुछ लोग सोचेंगे कि इसका अपना ब्रांड इसलिए कह रहे हैं कि दिस प्रोडक्ट इज परफेक्ट, बट दूसरे कुछ ब्रांड्स को पीआर जा चुका है, वो यूज करेंगे, यूज करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो ये है मेरी तरफ से ये एक फेस वॉश जो कि हर कोई यूज कर सकता है। मेरी वीडियो पसंद आई हो मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। प्रोडक्ट खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करके मैसेज करके प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो। 25% ऑफ जा रही है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इट कॉस्ट अराउंड 400 रुपीज एंड 100 ml आपको इसमें प्रोडक्ट मिलता है जो कि काफी ज्यादा जस्टिफाई करते हैं अपनी प्राइस के साथ। तो ये था मेरा जो सेकंड प्रोडक्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था, मैंने शेयर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको और प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।